हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षुवारी ब्लॉग्स। और आज हमारे यहाँ पड़ रहा है श्राद्ध, तो मेरे ससुर जी का श्राद्ध पड़ रहा है आज। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध का महीना चल रहा है और इस टाइम पे हम अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित करते हैं, मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो वो कुछ इस तरीके से खिलाया जाता है जिस तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे यहाँ श्राद्ध जो है वो पड़ चुका है, मतलब तोरई के पत्ते लिए जाते हैं, तोरी की बेल के, और उसके ऊपर खाना पीना रखा जाता है जो भी कुछ हम घर में बनाते हैं। और साथ में प्याज जो है उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है किसी भी सब्ज़ी वगैरह में। तो आज मेरे यहाँ 3 सब्ज़ियाँ बनी थी और साथ में बनी थी खीर और उसके साथ में था रायता। तो मतलब काफ़ी सारे आइटम जो थे वो आज हमने बनाए थे अपने घर में। और यहाँ पर मेरी सास और मैं, हम दोनों लोग लगे हुए हैं किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जब भी कुछ ऐसा घर में होता है, तो किसी एक के बस की तो नहीं होता है इतना सारा काम एक साथ समेटना। तो यहाँ पर हम दोनों ही लोग लग गए थे और कुछ गेस्ट थे जिनको हमने इनवाइट किया था खाने पर, तो वो लोग भी आ चुके थे और वो लोग भी हॉल में बैठे हुए थे। तो उनको भी हम लोग तुरंत के तुरंत खाना सर्व कर रहे थे, मतलब अक्षु साथ के साथ उनको खाना जो है वो परोस रही थी, और मेरी सासू मोम जो है वो पूड़ियाँ तल रही थी, और मैं साथ में इधर जो कचौरियाँ हैं उनको मैं भर रही थी, क्योंकि साथ के साथ सारा काम हो जाता है। और जब सारे लोग इकट्ठा लग जाते हैं ऐसे फेस्टिवल वगैरह या किसी भी ऐसी चीज़ पर, तो सारा काम जो है वो बहुत जल्दी और बहुत इजीली से हो जाता है। तो श्राद्ध का महत्व तो आप सभी लोग जानते होंगे, और ये ज़्यादातर मोस्टली सभी के घरों में होता है, क्योंकि श्राद्ध का जो है वो 15 दिन का टाइम होता है, और वो हर दिन जो होता है उस दौरान, तो वो सबके घरों में एक एक दिन, मतलब किसी किसी के यहाँ पड़ता ही रहता है। तो आज की जो मेरी मेन्यू थी तो वो ये थी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें है मटर और पनीर की सब्ज़ी, और साथ में बनाई है हमने खीर जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और ये है रायता, तो रायते में पालक मिला हुआ था तो बहुत टेस्टी रायता था। और ये ग्लास, आप ग्लास का डिज़ाइन देखो, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, छोटे छोटे ग्लासेस हैं ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रक्षाबंधन पर मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे, क्योंकि इस बार मैंने उनको बोला था कि मुझे पैसे, साड़ी, कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे को आप पानी वाले जो छोटे ग्लास होते हैं डिज़ाइन वाले वो लाकर देना स्टील के, तो ये वाले ग्लास उन्होंने मुझे लाकर इस बार दिए हैं। और ये हैं साथ में आलू की कचौरियाँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, कसम से बहुत, मतलब खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और साथ में ये पालक की पूरियाँ बनाई थी हमने, दो तरह की पूरियाँ बनाई थी, सादा भी बनाई थी और पालक की भी बनाई थी। और साथ में है आलू और गोभी की सब्ज़ी, और एक थी छोले की सब्ज़ी जो कि मैंने ली नहीं है, मुझे इतना खाना इनफ लगा तो मैंने यही ले लिया, जो मतलब मुझे पसंद था वो मैंने ले लिया। छोले को मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, वैसे मैं खीर को भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मैंने खीर खा ही ली प्रसाद के रूप में। और अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, खाना पीना सब कुछ हो चुका था, कुछ गेस्ट बचे थे वो नीचे बैठे हुए हैं, मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि खाना पीना मेरा सब कुछ हो चुका था और अभी नीचे दो लोग बचे हैं तो उनको अक्षु वगैरह संभाल लेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे घर पे ना ये जो पीले वाले जो ततैया होते हैं ना उनका जो छत्ता है वो लगा हुआ, मतलब उन्होंने अपना घर बना रखा है यहाँ पे, वैसे इसको छत्ता ही बोलते हैं, तो उन्होंने ये बनाया हुआ हमारी बालकनी में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी वजह से। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इनको सबक सिखाया जाए और इस छत्ते को तोड़ दिया जाए, मतलब बोलते हैं ना बरैया के छत्ते में हाथ डालना, वो वाला काम आज मैं करने की सोच रही हूँ। तो पता नहीं इसका क्या होगा, मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा। और आप मेरा डंडा देख सकते हो, मैं जो इतना बड़ा डंडा लेकर तैयार खड़ी हूँ बिल्कुल मोर्चा संभालने के लिए, तो देखते हैं कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं बचती हूँ या इन लोगों के बीच में फंसती हूँ, वो तो आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। देखते हैं गाइज हम कितना कामयाब होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं इस छत्ते को तोड़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं बरैया के छत्ते में हाथ डालना, जो कि मैं करने वाली हूँ और बहुत बड़ा रिस्क मैं लेने वाली हूँ आज अपने साथ। मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरा क्या होने वाला है, ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी। और ये मेरा मुंह, ये मेरा फेस जो है वो इसी तरीके से दिखाई देगा या फिर गोलगप्पा बनने वाला है, तो चलिए देखते हैं। वैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ये बर्रैया के छत्ते में हाथ डालने वाला, तो
चलिए देखते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे भागने की भी पड़ेगी, तो हो सकता है मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोर्चा जो है वो संभाल लिया है और मैं चल पड़ी हूँ छत्ते को तोड़ने के लिए। लेकिन मुझे साथ के साथ डर लग रहा था कि अगर इन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कैसे भागूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर भी बहुत हिम्मत करने के बाद में फाइनली ये स्टेप लिया। और मुझे लगा था कि वो छत्ता जो है वो बहुत नाजुक सा होगा, तो मैं अगर एक डंडे से वार करूँगी तो वो एक ही डंडे में टूट कर गिर जाएगा। पर मैं उस टाइम पे गलत साबित हो गई जब मैंने उसमें डंडा मारा और वो गिरा ही नहीं। मतलब डंडा जब मैंने उसमें मारा तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा टाइट बना हुआ था। वो जैसा मैं उसको कमज़ोर समझ रही थी वो उस तरह का कमज़ोर नहीं था। और मेरे डंडे मारते ही ना एकदम उसमें जो ततैया जो थी ना वो एकदम से ऐसी उड़ी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि सारी मतलब एकदम मेरे ऊपर अटैक ना कर दें आके। तो मैं डर के मारे अंदर भाग गई। मतलब मैं यही कर रही थी कुछ टाइम, तो मैं यही करती रही। बट मुझे लगा कि नहीं, अब ये मेरे बस का नहीं है, तो फिर मैंने इस चीज़ में हार मान ली भाई। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय।